प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन अगर यही प्यार पागलपन में बदल जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी वारदात को भी अंजाम दे देता है। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। ये कहानी है अमेरिका की। तस्वीरों में दिख रहे शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद इसे 30 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसका नाम है जेवियर और यह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम वैलेरी है, लेकिन एक दिन वैलेरी ने इससे ब्रेकअप कर लिया। जब वैलेरी इससे अलग हुई तो इसके मन में पागलपन घर कर गया। इसके मन में यही बात आई कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को या तो मार दे या उसे किसी भी हद तक पाले। इसके लिए ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। 28 जनवरी 2019 को जेवियर वैलेरी के घर गया, जहां पर उसने सबसे पहले अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर डाला और वैलेरी को मनाने की कोशिश की। जब इसके बार बार मनाने पर भी वैलेरी नहीं मानी, तब इसने उसके साथ मारपीट की, उसे खूब पीटा और उसके बाद उसे जिंदा ही एक सूटकेस में डाल दिया। सबसे पहले इसने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पैर बांधे और उसके मुंह पर टेप लगाया और उसे एक सूटकेस के अंदर डाल दिया। गर्लफ्रेंड को सूटकेस में डालने के बाद ये 10 मील दूर एक जंगल की तरफ गया और इसने वो सूटकेस वहाँ फेंक दिया। अब वैलेरी जंगल में थी, जिसके बाद उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि आखिर उनकी बेटी गई कहाँ। उन्होंने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और अब यानी 5 फरवरी को उनकी बेटी एक सूटकेस के अंदर मरी पड़ी मिली। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामने आया बॉयफ्रेंड का नाम। पुलिस को शक था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसका कत्ल किया है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट कराया गया, वैलेरी के नाखून से जो सैंपल लिए गए उसके आधार पर जब टेस्ट किया गया तो वो जेवियर के ही निकले। जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने अब उसे 30 साल की सज़ा सुना दी है।